मैं हूँ असली जानवी। ये कसूर मेरा है कि यकीन किया है दिल तेरे ही। एक नंबर ब्रो, क्या गेम खेला है तूने? सॉरी, ये ले तेरा इनाम। ये क्या, इतने कम पैसे? इससे ज्यादा तो मैं गेम खेल के कमा लेती हूँ। कौन सा गेम? 1xBet से। तुम लोग को नहीं पता तो चलो मैं बता देती हूँ। हम 1xBet से गेम खेल के पैसा कमा सकते हैं। फुटबॉल, बास्केटबॉल और यहाँ तक कि फॉर्मूला 1 और भी बहुत सारे अमेजिंग गेम्स हैं यहाँ। अगर आप चाहो तो आप बेट भी लगा सकते हैं बीसी 1x से हमारे फ्रेंड्स के साथ, और इसमें 1x से सबसे अच्छा वाइडेस्ट लाइन है पे आउट के लिए। इसके अलावा क्लासिक खेलों में हमारे फ्रेंड्स के डिसिप्लिन के लिए सबसे वाइडेस्ट लाइन है डोटा, CS और ओवरवॉच, और भी बहुत कुछ है। तो अब देख क्या रहे, जल्दी जा डाउनलोड कर और खेलना शुरू कर। और अगर आप लोगों को भी ये गेम खेल के पैसा कमाना है तो जल्दी जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक ही दिया उसे डाउनलोड करो और मेरे 1x प्रोमो कोड के साथ जीतना शुरू करो। आइला तो फिर गुस्सा हो गया, चिल ब्रो। खड़ूस कहीं का। ये कसूर मेरा है। डॉक्टर अलीना ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए अभी उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, सॉरी टू से, मगर उनकी बचने के चांसेस बहुत कम है। मैं पूरी कोशिश करूंगी उनको बचाने की। अलीना कैसी है? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यह हॉस्पिटल है, मैं नहीं चाहती हूँ यहाँ कोई ड्रामा हो। बेहतर यही होगा कि तू यहाँ से चली जा। ऐसे क्या देख रही है? आज जो अलीना का कंडीशन है वो तेरी वजह से है, इसीलिए यहाँ से चली जा। सिर्फ यहीं से नहीं, हमारी जिंदगी से भी चली जा। ओ मैडम, पैसा तो ले लो। रख ले, भाभी के लिए गजरा लेके जाना, खुश हो जाएगी। अपुन, तो तुझे कुछ बोलना है? बोल। देख अपुन, तुझे एक अच्छा एडवाइस देता है, तू शादी कर ले। मेरी बात मान, उम्र बनने से पहले शादी कर ले। आइला ये हमेशा गुस्सा में गाई को रहता है। भाईजान, इसमें से असली जानवी कौन है? मैं हूँ असली जानवी। भाईजान ये तो बहुत बड़ा लोचा है। एक खजूर, मैं हूँ असली जानवी। हाँ भाईजान, यही है असली जानवी। तू तो इससे भी बड़ा खजूर है, मैं हूँ असली जानवी। तू ऐसा क्यों बोल रही है? मैं भाईजान का राइट हैंड हूँ। अच्छा हुआ राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड होता ना तो धोने के काम आता। तू ज्यादा शानी मत बन समझी, मैं हूँ असली जानवी। तू ज्यादा मत बोल समझी, मैं हूँ असली जानवी। चुप। तू क्या मुझे चूतिया समझ के रखी है? नकली जानवी, एक बार मर के तुझे शांति नहीं मिला, दोबारा मरने आई है मेरे हाथों तो ये ले। क्या हुआ शहबाज शेख, कंफ्यूज हो गया क्या? मैं तेरा कंफ्यूजन अभी दूर कर देती हूँ। तूने जिसे शोभा समझ के मारा है, असल में वो शोभा है ही नहीं, वो जानवी है। अब तो यही सोच रहा होगा तेरे नाक के नीचे से ये सब हुआ कैसे। तो सुन, I'm not the one.
को किडनैप किया है। तू जानती है ना पुन शहबाज का आदमी है, दो मिनट नहीं लगेगा पुन को यहाँ से छुटने में, समझी? वो तो मुझे पहले से ही पता है तू शहबाज की चमची है। ओए ओए, चमची किसको बोला रे? भूल गई क्या तेरे दोस्त के साथ क्या किया था मैंने? अपने इन हाथों से मारा है उसको मैंने, लेकिन अफसोस अभी तक वो जिंदा है। इस बार मौका मिला ना तो टपका दूंगी साली को। तेरी तो खबरदार, अब अगर मेरे दोस्त के बारे में एक शब्द भी बोली ना तो जुबान खींच लूंगी तेरी, समझी? तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, मेरे इलाके में आके मुझे चकमा दे गई, वेल प्लेड। लेकिन अब और नहीं, देख क्या रहे हो, शूट हर। तू दिखने में तो समझदार है पर यहाँ कुछ नहीं है। बंदूक चलाने से पहले गोली तो चेक कर ले। अब बंदूक में से गोली कैसे गायब हुआ वो तुझे ये बताएगा। ओके बात कहीं का, दुश्मन का सपोर्ट करने के लिए पैसा देता हूँ क्या तुझे? क्या करता मैं भाईजान, हर बार यही जीत जाती और आप ही हार जाते हो। मुझे पता था इस बार भी ऐसे ही होगा, इसलिए मैंने सोचा लड़की से मार खाने से अच्छा लड़की की साइड हो जाऊं। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले इसे देख लूं। बोल क्यों बुलाई थी, तू तो मर गई थी ना। वो सब छोड़ और ये देख, अपन 20 साल से गुलामी कर रहा है और साला मेरे बीबी का साथ गुलगुल कर रहा है। जीजा उसका तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, मेरे टीम में आ जा, उससे बदला ले ले, इससे तेरा दो फायदा होगा, तू उससे बदला भी ले लेगा और इस शहर का डॉन भी बन जाएगा, क्या बोलता है? डॉन। और तू छोटे? जीजा जी बोलेंगे, मैं वही करूंगा। मिलते हैं पार्ट 3 में नई कहानी के साथ। ओए पार्ट 3 का जरूरत नहीं, तेरा चैप्टर इसी पार्ट में क्लोज कर देती हूं। प्लीज एक बार माफ कर दे। मुझे पता है तू मुझसे बहुत गुस्सा है, लेकिन इंसान अक्सर गुस्से में गलत डिसीजंस लेते हैं, इसलिए प्लीज एक बार मुझसे मिल ले वरना बहुत पछताएगी। वो तो मैं पहले ही पछता चुकी हूँ तुझे अपना दोस्त बना के, और तुझे कहा था ना हम लोग से कोई कांटेक्ट नहीं रखने के लिए। प्लीज एक बार मुझसे मिल ले, आई प्रॉमिस, उसके बाद मैं खुद तुझे अपना शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी, प्लीज सिर्फ एक बार। ओके तेरे साथ इतना कुछ हुआ और तूने एक बार भी हमें नहीं बताया। बताने का मौका दिया था क्या तूने? और हाँ, सिर्फ दोस्त बोलने से नहीं होता, दोस्ती में भरोसा भी होना चाहिए। यह माँ इला दोनों चले गए, अब उनको कौन खोलेगा रे? अब खड़ी रहेगी या चलेगी भी? एक गुड न्यूज है। क्या? अलीना डिस्चार्ज हो गई है, चल उसे लेने चलते हैं। सो गाइस हमेशा की तरह इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए, इस बार मैं आपके कमेंट के रिप्लाई जरूर करूंगी। और आप सोचोगे ये लुक मैंने क्यों दिया है, सो ये लुक मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए है, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आके आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग अस।